केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया के बेटे महाआर्यमन भी अपने पापा के लिए वोट मांगते नजर आए। इंडिया न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में महाआर्यमन सिंधिया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और 2024 का चुनाव बहुत कुछ कहता है। ऐसे में देश की 543 लोकसभाओं में से एक लोकसभा गुना लोकसभा, जिसकी नज़र पूरे देश पर बनी हुई है और देश के लोगों की नज़र इस लोकसभा पर बनी हुई है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक और चेहरा है, चार्मिंग फेस, युवाओं में क्रेज है और वो चेहरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वो नाम है महाआर्यमन सिंधिया, जो युवाओं से मिलने के लिए बस ऐसे ही निकलते हैं, उनके मन की बातों को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज़ में, न्यूज़ एक्स में। महाआर्यमन जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल कर हमें कुछ टाइम दिया आपके चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये जो चुनाव है 2024 का चुनाव जी, हालांकि आप राजनीति में सीधे तरीके से ना, लेकिन दूसरे तरीके से लोगों के बीच जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, मन के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, इन सब के बावजूद भी 2024 क्या कहता है? देखिए, जो जिस तरीके से मैंने जनता का जो जोश है, उत्साहता देखा है, और जिस तरीके से लोग पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे महसूस होता है एक युवा होने के नाते कि इस पार्टी का लहर बहुत मजबूत होने वाला है इस चुनाव के बाद। मजबूत तो था ही, लेकिन इस चुनाव के बाद और भी मजबूत होने वाला है, और ये मुझे महसूस हो रहा है हमारे युवाओं से, क्योंकि मैं ज़्यादातर, आप जानते हैं, मैं ज़्यादातर अपने युवा संख्या से मिलता हूँ, जनसंख्या से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ योजनाओं के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में, उनकी नियतों के बारे में, और समझता हूँ कि उसका प्रभाव क्या हुआ है, क्या असलियत में उनको प्रभाव हुआ है, नहीं हुआ है, उनको कैसे लगा है, कुछ कठिनाइयाँ हैं। तो जिस तरीके से उनका जवाब नरेंद्र मोदी जी की तरफ आया है, मुझे तो लगता है कि जोशीले तरीके से पूरा तूफान इस तरीके से सरकार बनेगी। इन सब के बीच एक नया फिनोमेना देख रहा हूँ, एक नई लहर, एक नई छवि, नया कैनवस में भारतीय राजनीति का देख रहा हूँ, और वो कैनवस है कि सनातन और धर्म पहली बार किसी चुनाव में इतना असर कर रहा है। क्या कहेंगे इस तरह की तस्वीरों को? देखिए, धर्म तो डेफिनेटली एक बात होती है, और सबकी अलग अलग धर्म है, सबकी अलग अलग विचार है उन धर्म के आधार पर, पर जो मैं एक और चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि अब भारत में धर्म के बेसिस पे नहीं, लेकिन प्रगति के बेसिस में यूनिफिकेशन हो रहा है आइडेंटिटीज़ का। युवाओं जो है वो ज़्यादातर देख रहे हैं कि अब भारत आगे कैसे बढ़ रही है, उसकी पहचान कैसे बढ़ रही है, क्या कुछ एक युवा होने के नाते क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे भारत का नाम और भी उजाला हो सकता है विदेश में और देश के अंदर। तो इस तरीके से जो गर्व एक इंसान में आया है भारतीय होने के नाते, वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। मुझे याद है जब मैं भी कॉलेज में था, जब लोग विदेश जाते थे बड़े छुप छुप कर जाते थे, और कोई कुछ कह देता था तो चुपचाप से साइड पे छुप छुप के काम करते थे, पर अब लोग जो है गर्व से भारतीय होने के नाते गर्व से विदेश जाते हैं, गर्व से काम करते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि इतने CEOs अब भारतीय हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट का देखिए, आप गूगल का देखिए। आप पूजा करते हैं? बिल्कुल पूजा करते हैं। इसकी पूजा करते हैं कैसे करते हैं? मुझे मेरी जब सबसे फेवरेट है जो है गणपति पापा है, और मैं शिव जी का बड़ा पूजा करता हूँ, तो इन दोनों का मैं हर दिन पूजा करता हूँ, लेकिन विभिन्न भगवान भी मेरे देवस्थान में होते हैं जिनको मैं प्रार्थना हर दिन करता हूँ। लेकिन मैं आपका जवाब देना चाहूँगा कि धर्म के बेसिस पे नहीं, अब
मुझे ज़्यादातर महसूस हो रहा है प्रगति के बेसिस पे वो आइडेंटिटी बन रही है भारत की, वो आइडेंटिटी बन रही है भारत की। इन सब के बीच चूँकि आप युवा हैं, आपने विदेश से शिक्षा प्राप्त की है, बावजूद इसके आप इस पूरे इलाके में, चाहे वो ग्वालियर हो, शिवपुरी हो, गुना हो, इस इलाके में घूम रहे हैं, यहाँ के लोग थोड़ा विचलन से है, विचलन पैदा कर रहे हैं, विचलित हो रहे हैं कि यार हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन रोज़गार उस तादाद में नहीं मिल रहा है। उसके लिए कुछ प्लान है, कुछ सोच सकते हैं इस इलाके के लिए कि क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, रोज़गार एक विषय है जिस पर सरकार ने काफ़ी काम भी की है। आप डिफेंस में देखिए, काफ़ी एरियाज़ खुल गए हैं रोज़गार के लिए, अब 10 लाख जॉब्स और खुल रहे हैं, सरकारी जॉब्स खुल रहे हैं, अपस्किलिंग भी हो रहा है, क्योंकि अब ट्रेंड्स बदल रहे हैं एआई के तरफ, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के तरफ, तो अपस्किलिंग भी बदल रहा है। विश्वविद्यालय और विद्यालय और भी खुल रहे हैं, आप एम्स देखिए, IITs देखिए, IIITs देखिए, ये सब और भी खुल रहे हैं हमारे देश में ताकि अपस्किलिंग और हो। और एक युवा होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है, जो मैंने प्रधानमंत्री के शब्दों से जो मुझे प्रभाव पड़ा है, वो है कि अब एक युवा जो है रोज़गार ढूंढने वाला नहीं लेकिन रोज़गार बनाने वाला बन गया है। आप तो प्रधानमंत्री से भी मिले थे, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? वो मेरे स्टार्टअप के बारे में बात की हुई थी कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे तो मैं जो है एक स्टार्टअप चला रहा हूँ जिसका नाम है माय मंडी। और माय मंडी एक मंच है जिससे हम 3 सेक्टर्स को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। एक है आपके जो नए भारतीय ब्रांड्स बन रहे हैं, जैसे कि आपके बोट हो गए, मामा अर्थ हो गया, नॉइज़ हो गया, ऐसे कई विभिन्न ब्रांड्स अब भारत में बन रहे हैं, इनको मजबूत करने के लिए। दूसरा जो हमारा व्यापार नेटवर्क है, जो जितने किराने दुकान हैं, जितने नॉर्मल शॉप्स हैं, इनको तगड़ा करने के लिए, तो इनकी सेल बढ़ाने के लिए, इनको इनकी कमाई बढ़ाने के लिए। और तीसरा है उसका ग्राहक जो उस दुकान से ख़रीदता है, उनकी तकलीफ को कुछ सुझाव देने के लिए, क्योंकि उनको कुछ ऑर्डर करना है इन ब्रांड से, 5 से 6 दिन लग जाते हैं। आप मामा अर्थ खोलिए आज या शिवपुरी ऑर्डर करिए, 7 दिन 8 दिन लग जाएंगे यहाँ पर आने तक। मतलब आप खेती को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? खेती खाली खेती नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, इट्स वो कृषि के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, सब प्रोडक्ट्स हमारे वेयरहाउस में रखे जाएंगे। और हम QR कोड्स बनाने जा रहे हैं, जो एक डिजिटल स्टोर बनेगी, उससे जो मेरे वेयरहाउस में जो आइटम्स रखे हैं वो हर किराने स्टोर पे QR कोड लगेगी, जिससे जो एक ग्राहक स्कैन करने के बाद उसको एक दुकान मिलेगी, उस दुकान में वो देखेंगे कि क्या क्या माय मंडी के वेयरहाउस में अवेलेबल है। जो किराने का दुकान है उसका एक मकसद है, वो मकसद है वो आइटम बेचना जो वो हर दिन करता है, और उस पर मैं उसको कुछ प्रतिशत कमीशन दूंगा। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कि मैंने समझा है कि एक किराने दुकान के कठिनाई है, उनसे काफ़ी बातचीत किया है, उनके साथ घूमा हूँ, उनके साथ पूरा सप्लाई चेन मैंने समझा है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो भी हमारे आपको मेरे दुकान में दिख रहा है मुझे ख़रीदना पड़ता है, ख़रीदने के बाद मुझे बेचना पड़ता है, फिर मुझे कमाई होती है। तो मैंने कहा चलो मेरे QR कोड से आपको कुछ नहीं ख़रीदना है, आप बस QR कोड लगाओ, मैं आपको सैंपल दूंगा हर प्रोडक्ट का, आप बेचो और उसका कमीशन आप पाओ, तो आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरा QR लगाओ और बेचो आइटम। आप माल लो या ना लो, बस आप QR कोड लगाओ और बेचो और कमीशन ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है मेरे माय मंडी वेयरहाउस से, वो आइटम उसको बेचना है जो हर दिन करता है। और वो आइटम कैसे पहुँचेगा खरीदने वाले? वो आइटम अगले दिन 24 घंटे में उसी दुकान में पहुँचेगा, और वो ग्राहक को उस दुकान से उठाना है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप शिवपुरी भी देखिए, हर 10 फीट एक दुकान है, बहुत हर बिल्कुल हर घरों में दुकान खुला हुआ है, बिल्कुल, तो हर और हर घर के ऊपर, हर दुकान के ऊपर एक घर है, तो हर व्यक्ति नीचे आके अपने दुकान पे हर दिन जाता ही है। तो इसके इस मंच से उनको किराने दुकान को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं हम, उनको एक इनको एक हथियार देना चाहते हैं जिससे वो और कमा सकते हैं आसानी से, और ग्राहक बना सकते हैं आसानी से।
अच्छा ये बताइए, चूंकि आपने कहा कि एक स्टार्टअप डेवलप किया है और ये एक बहुत अच्छी तस्वीर भी है, बीजेपी में तो परिवारवाद को लेकर बड़ा वो किया जाता है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री हैं, तो ये तो उम्मीद लगती नहीं है कि आप को चुनाव लड़ने का मौका मिले, तो आप जनता के बीच जाकर ये काम भी करते रहेंगे और अपना एक स्टार्टअप भी करते हैं, ये मान लिया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं कभी लगता है कि कांग्रेस में तो ऐसा नहीं था यार, बीजेपी में है। मुझे मेरा एक लक्ष्य है, मैं एक युवा होने के नाते मैं एक खाली मंच पे जाके या लोगों के बीच में बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं एक उदाहरण होना चाहता हूँ। मैं बस मंच से या किसी के बीच कहूँ कि भाई आप स्टार्टअप खोलो, आप रोज़गार बनाओ, ऐसे नहीं चलता है। मुझे एक उदाहरण होना है अपने देश के युवाओं के लिए कि मैं भी खुद से एक स्टार्टअप मैंने खोला है, मैंने खुद से रोज़गार बनाया है, मैंने खुद से एक नाम कमाया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी वो उदाहरण हूं, और इसलिए मेरा अभी मेरा लक्ष्य और फोकस मेरे स्टार्टअप पे है। अच्छा, कभी लगा क्योंकि आपके कॉलेज के साथ के फ्रेंड या आसपास के लोग, आप तो विदेशों में भी रहे, तो किसी ने कहा कि यार कहाँ राजनीति में पापा की तरफ जा रहे हो आप, क्यों नहीं बॉलीवुड में ट्राई करते हो, क्यों नहीं हॉलीवुड में ट्राई करते हो, माशाल्लाह बॉडी भी बन रही है, बाइसेप ट्राइसेप भी बन रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे हमेशा कुछ अलग करना था, मुझे हमेशा एक स्टार्टअप की ओर ही जाना था जिससे मैं कुछ बनाऊं अपने लिए। लेकिन अगर फिल्मों में जाते तो आपकी फिल्म हिट जाती है, पहली फिल्म हिट होती आप। लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आता, जो मज़ा आता है कंपनी बनाने में वो मज़ा नहीं आता, जो पसीना जो छूट आप ग्राउंड पे जाते हो, आप नंबर्स देखते हो, आप डेटा देखते हो, उसको एनालाइज करके आप डिसीजन आप निर्णय लेते हो, जो वो मज़ा है वो अलग मज़ा है जब आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, किसी को जुड़ा रहे हो, और वो मुझे इम्पैक्ट दिख रहा है, वो प्रभाव दिख रहा है कि एक व्यापार का क्या आपको क्या लाभ मिला है, एक ग्राहक को क्या लाभ मिला है, तो मेरे माध्यम से भी मैं कुछ प्रभाव लेके आ रहा हूँ मेरे जन। राजनीति नशा है और मज़ा है, क्योंकि मैं देखता हूँ सैकड़ों हजारों लोग सब कुछ छोड़ के अपने लीडर के साथ लगे रहते हैं, पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। देखिए वो उनके हिसाब, वो उनका निर्णय है जनसेवा, तो उनको अगर जनसेवा करना है तो उनको नीचे ग्राउंड पे रहना ही पड़ेगा, उनको लोगों को महसूस करना पड़ेगा, उनको कठिनाइयां महसूस करनी पड़ेगी, उनको अगर नीति कुछ बनाना है, उनको एक योजना बनाना है, तो अगर आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, उनको समझोगे नहीं, तो कैसे बनाओगे योजना? तो यही बात है कि लोगों का फ़र्ज बनता है, अगर आप राजनीति में आना चाहते हो आपको लोगों के साथ समय बिताना पड़ेगा, आपको एक नेता के साथ समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी उनसे सीखना पड़ेगा। आप जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सिंधिया परिवार में जो स्थिति होती थी, अगर परिवार को देखा जाए, स्वर्गीय जीवाजीराव सिंधिया, फिर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, फिर स्वर्गीय जीवाजीराव सिंधिया, फिर कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी, और फिर लेकिन ज्योतिरादित्य जी का नाम एकदम बदल गया, उसके बाद फिर आपका नाम महाआर्यमन पड़ गया, ये नाम बदलने की परंपरा क्या है? मुझे नहीं पता, वो तो आपको मुझे मेरे माता और पिता को पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जब मेरा नाम का निर्णय हुआ था उसमें मेरे दादाजी ने काफ़ी हद तक इस फैसले में उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया था, तो उनका भी मुझे लगता है मन था कि महान आर्यमन ही नाम रहे, तो मुझे लगता है इसलिए मेरा नाम महान आर्यमन रखा गया था। मुझे बताया कि मेरी माँ का चॉइस था आर्यमन, लेकिन उनको महान आर्यमन बड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने चुना महान आर्यमन। जी जी, आपकी एज मुझे लगता है 28 हो गई होगी। जी 28 है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं खुद भी ग्वालियर का हूँ, सिंधिया परिवार में शादी जल्दी हो जाती है, शादी करने का मूड? वो तो पहले वही कहा है, पहले मैं अपना स्टार्टअप को बड़ा करना चाहता हूँ, मैं उस पर फोकस हूँ, मेरी पूरी एनर्जी और समय उसमें जाती है, तो अभी मैं उसी पे फोकस्ड हूँ। लेकिन कई सारे मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि आपका एक सुंदर सा चेहरा, फिर एक और सुंदर सा चेहरा, बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे फ़ोटो आपके आस पास इर्द गिर्द लगा दिए जाते हैं। वो तो आप कहीं भी देखो, कुछ ना कुछ तो आप सब जो मीडिया है आपको मज़ा आता है इस मसाला के साथ, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अभी मेरा पूरा फोकस। कोई ऐसा चेहरा भी चुना तो नहीं है? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी परिवार जो कहेगा उन्हीं से शादी होगी या परिवार ही तय करेगा? नहीं नहीं, परिवार तय करने की बात नहीं है, मैं खुद से भी तय कर सकता हूँ कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ,
मेरे माता पिता ने स्पष्ट तरीके से कह भी दिया है कि आपको खुश होना है, आपके ये आपका ज़िंदगी है, तो आपको चुनना पड़ेगा जिस तरीके के साथ आप किस व्यक्ति के पास के साथ आप ज़िंदगी बिताना चाहते हो। तो ये उन्होंने सीधा कह दिया है बड़े स्पष्ट तरीके से, ये आपका निर्णय है। पर अभी मैं निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं अपना पहले नाम बनाना चाहता हूँ, मैं पहले अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ। तो ये हमेशा मेरा सोच और विचार यही हमेशा हुआ है कि मैं पहले इसको करना चाहता हूँ। ये मानना पड़ेगा जिनके पास सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति है, वो खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने कदमों पर खड़ा होना चाहते हैं और संकेत देना चाहते हैं।